एक तरफ लॉकडाउन की मार तो दूसरी तरफ कुदरत का कहर से आम जनता परेशान। देर रात आई तेज आंधी के साथ बारिश में शहरी क्षेत्र के कई इलाकों में पेड़ गिर गई है, जिस कारण कई छोटे दुकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। रविवार की रात करीब 11 बजे तेज आंधी तूफान के साथ गरज के साथ हुई बारिश ने भारी तबाही मचाई है। भोजपुर जिले में आंधी पानी से लाखों की क्षति होने की आशंका जताई जा रही है। कई घरों के फ्यूज व करकट के छप्पर हवा में उड़ गए तो कई मकानों एवं दुकानों पर पेड़ गिर गए, जिससे मकान व दुकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। जगह जगह पेड़ व बिजली का पोल धराशायी हो गया, जिससे शहरी क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति रात से ही बाधित हो गई। ऐसे में छोटे व्यवसायियों के चेहरे पर काफी मायूसी देखी गई, क्योंकि एक से पहले ही लॉकडाउन से व्यवसाय पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ था, तो दूसरी तरफ कुदरत के कहर से दुकान एवं मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। क्या कहा वासियों ने, आइए सुनते हैं। ध्वस्त हो गया है, पूरा पेड़ गिर गया है, बड़ा सा पेड़ था गुल्लर का, वो पेड़ गिर गया है दुकान के ऊपर। और उस समय से यहाँ पर सभी लोग बेचैन है कि पेड़ हटाने के लिए। आपने जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी? जी, हम लोग ने अपने सचिव साहब को सूचना दी, तो उन्होंने बोला कि अभी हमारा में नहीं है, बाहर में है, आप लोग अपना कटवा के हटा दीजिए। तो अभी तो कोई आदमी मिल नहीं रहा है, सुबह से हम लोग लगे। वन विभाग से आपने संपर्क करने का कोशिश किया? नहीं, वन विभाग का नंबर नहीं मिला हम लोग। ओके, आपका क्या चीज़ का दुकान था यहाँ पे? दुकान का स्थिति आप देख सकते हैं, पूरा सामने से। किस चीज़ की दुकान आप करते थे? कंप्यूटर ऑपरेटर है। कंप्यूटर ऑपरेटर, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग होता है, कचहरी का काम होता है, क्या निकलता है। क्या लगता है आपका पूरा दुकान क्षतिग्रस्त हो गया है या कुछ सामान? नहीं, अंदर का सामान भी गिरा हुआ है, इसलिए कि उसमें लग जो बैटरी रखे हैं लोग, बैटरी में लग पानी गिर रहा है और दुकान तो पूरा तरह से क्षतिग्रस्त। क्या नाम हुआ आपका? प्रेम प्रकाश तिवारी।